दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और दबाएं इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे आने वाले वीडियो को सबसे पहले। दोस्तों यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफी काम की साबित हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र की विभिन्न विद्याओं में से एक है राशि चिन्ह के आधार पर व्यक्तित्व बताने की विद्या। इसके उपयोग से आप यह पता लगा सकते हैं कि किस राशि चिन्ह के व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। इस विद्या के अंतर्गत कुल 12 राशियां होती हैं, जो मेष राशि से आरंभ होकर मीन राशि तक होती हैं। इन प्रत्येक राशियों के आधार पर व्यक्ति से संबंधित कई राज पता लगाए जा सकते हैं। इसमें विश्वास करने वाले लोग इसे कई रूप से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये आजकल शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है शादी के लिए। शादी के लिए यदि वर या वधु का चयन करना हो तो लोग उनके राशि चिन्हों के आधार पर भी गुणों का मिलान करते हैं, उनके व्यक्तित्व को समझते हैं और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह विशेष इंसान उनके लिए जीवन साथी बनने योग्य है भी या नहीं। आज हम आपको सिंह राशि के बारे में बताने जा रहे हैं। सिंह राशि का चिन्ह एक शेर है जो कि अपने क्रोध के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि सिंह राशि के लिए अग्नि को भी चिन्ह माना जाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं किस राशि चिन्ह वाले के साथ सिंह राशि के व्यक्ति की जोड़ी अच्छी जमती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंह और मेष राशि के जातक। सिंह और मेष दोनों राशियों को ही अपने जीवन में स्वतंत्र रहना पसंद होता है। इन दोनों को ही किसी कार्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोनों के लिए अपना कार्य सबसे अधिक प्रिय है और वे उसे परफेक्शन के साथ पूरा करना पसंद करते हैं। लेकिन जहां मेष राशि वाले अपने आसपास के लोगों पर इतना गौर नहीं करते, वहीं दूसरी ओर सिंह राशि वाले लोगों की गतिविधियों और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं इस पर काफी ध्यान देते हैं। दोनों को ही खुद पर बेहद गर्व रहता है और दोनों ही अपनी बात पर खड़े रहते हैं। दोनों यदि रिश्ता बनाए तो आपसी समझ से चल तो सकता है, लेकिन जब गुस्से की बात आए तो इनकी लड़ाइयां एक खतरनाक मोड़ ले सकती है। सिंह और वृषभ राशि। सिंह और वृषभ राशि दोनों के बारे में एक बात काफी कॉमन है और वो है कि दोनों ही बेहद जिद्दी होते हैं। लेकिन इसका एक फायदा तब दिखाई देता है जब दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खा लें, फिर इन दोनों को कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। ऐसा रिश्ता फिर न केवल लंबा बल्कि मजबूत भी होता है, जहां साथी के सुख दुख की परवाह होना आम पाया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि सिंह राशि वालों को दुनियादारी की काफी परवाह रहती है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं इसका वे जरूर ध्यान रखते हैं। वृषभ राशि वालों की आदत भी कुछ ऐसी ही है, परंतु सिंह राशि की तुलना में कुछ कम है। इनकी सोच एक दूसरे से मेल खाए यह भी जरूरी नहीं, लेकिन साथी से किया हुआ वादा ये कभी नहीं तोड़ते। एक दूसरे पर निर्भर रहना इस जोड़ी की पहचान हो सकती है, लेकिन अगर ये अपने साथी को पसंद नहीं करते तो बेहतर है कि यह रिश्ता न ही बने। सिंह और मिथुन राशि। खुश रहना, सबको खुश रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना तब संभव होता है जब सिंह और मिथुन राशि का मेल होता है। दोनों ही जिंदगी के प्रत्येक रंग को महसूस करते हैं, लेकिन समझदारी के मामले में मिथुन राशि के जातक सिंह राशि से कई गुना बेहतर हैं। लेकिन रिश्ते की मजबूती की बात करें तो सिंह राशि के जातक हमेशा ही मिथुन राशि के जातक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पाना चाहते हैं। ऐसे में वे शायद मिथुन राशि के जातक को सामाजिक कार्यों एवं रिश्तों से दूर भी कर सकते हैं। लेकिन सिंह राशि के जातकों की एक बात काफी अच्छी है कि वे मिथुन राशि की तुलना में अपने वायदों के पक्के होते हैं, क्योंकि मिथुन राशि के जातक कठिनाई के दौर में अपनी राह से भटक भी सकते हैं। सिंह और कर्क राशि। इन दोनों राशियों के बीच सबसे बड़ी समानता है जिंदगी के प्रत्येक परिस्थिति को दिल लगाना। यानी खुशी हो या गम या फिर किसी से हुआ मतभेद, दोनों जातक ही जल्द ही परेशान हो जाते हैं। दोनों बेहद गर्वीले होते हैं, इसलिए जहां किसी ने कुछ बुरा कहा नहीं कि बेहद उदास हो जाते हैं। परंतु सिंह राशि के जातकों में गर्व की सीमा बहुत अधिक होती है। दूसरी ओर कर्क राशि के जातक अपनी भावनाओं के सागर में ही डूबे रहते हैं, जो यदि पूरी ना हो तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यदि इन दोनों में प्यार हो जाए तो यह प्यार बेहद प्यारा होता है, किंतु एक तरफ सिंह राशि वाले अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते तो दूसरी ओर कर्क राशि वाले आसानी से अपने मूड को बयां कर देते हैं। सिंह और सिंह राशि का मेल। दोनों राशियां एक ही हैं,
तो यह जरूरी नहीं कि यह परफेक्ट जोड़ी ही होगी। आमतौर पर एक जैसी राशियों की काफी बनती है, लेकिन उनकी पसंदगी के साथ साथ उनमें बनने वाला घमंड और गुस्से का स्तर भी एक जैसा ही पाया जाता है, जो यदि बाहर आ जाए तो हानिकारक साबित होता है। खैर, घबराने वाली बात नहीं है। यदि आप सिंह राशि के हैं और जिनसे विवाह करने की सोच रहे हैं वे भी सिंह राशि के ही हैं, तो आपका रिश्ता अन्य किसी भी रिश्ते से अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन यदि दोनों एक दूसरे को 1% भी पसंद नहीं करते तो रिश्ता ना ही बनाए, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए अपनी जीत को पीछे छोड़ किसी को अपनाना बेहद मुश्किल होता है। सिंह और कन्या राशि। सिंह और कन्या राशि के जातकों में समानता जैसा शायद ही कुछ है। दोनों एक दूसरे से इतने अलग हैं कि पूछिए मत। एक और कन्या राशि के जातक कुछ शर्मिले मिजाज के और लोगों से कम बात करने वाले होते हैं, तो दूसरी ओर सिंह राशि वालों के लिए तो लोगों की प्रतिक्रिया ही बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। कन्या राशि के जातकों में एक अलग ही किस्म का रवैया पाया जाता है, जिस कारण वे बिना मतलब किसी की प्रशंसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन जब साथी सिंह राशि का हो और फिर भी वे उनके हित में बात न करें तो यहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा भी अन्य कई कारण हैं जिनकी वजह से दोनों में परेशानियां बनती रहेंगी, इसलिए शायद यह जोड़ी सफल होने की संभावना में कम ही आती है। सिंह और तुला राशि। अब तक सभी राशियों में सिंह राशि का इस राशि के साथ संबंध काफी अच्छा प्रतीत होता है। यह दोनों मिलकर एक सफल शादीशुदा जिंदगी बिता सकते हैं, जिसका एक कारण है दोनों का ही बेहद रोमांटिक व्यवहार। एक दूसरे को खुश रखना, गिफ्ट देना आदि ऐसी बातें हैं जो इन्हें अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों का अनुभव करा सकती है। लेकिन एक और जहां सिंह राशि वाले अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजों को अपनी ओर खींचना पसंद करते हैं, वहीं दूसरी ओर तुला राशि के लोग अपने राशि चिन्ह की तरह ही स्थिति को संतुलित करते हुए अपनी इच्छाओं को अपने सिंह राशि के साथी के लिए कुर्बान कर सकते हैं, और शायद यहीं से बनता है एक परफेक्ट रिलेशनशिप। सिंह और वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को यूं तो अपने क्रोध के लिए काफी जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा ये जिद्दी और घमंडी भी हो सकते हैं, और यही व्यवहार तो सिंह राशि के जातकों में भी पाया जाता है। इसलिए यदि इनकी शादी हुई और कभी कोई झगड़ा हुआ तो कब और कैसे एक बुरा रूप भी मिल सकता है, जिसका अंदाजा वे खुद भी नहीं लगा सकते। यही कारण है कि इन दोनों राशियों का मेल एक सुखद तथा लंबा रिश्ता निभाने के योग्य नहीं है। लेकिन दोनों में यदि समझौता होगा तो उसका कारण है सिंह राशि की अपने राशि के प्रति वफादारी और वृश्चिक राशि का अपने जीवन साथी को लेकर भावनाओं से जुड़े रहने का व्यवहार। सिंह और धनु राशि। रिश्ते में मिठास, खुशी और अपनापन लाने में कारगर साबित हो सकता है सिंह और धनु राशि का मेल, लेकिन इसका श्रेय भी धनु राशि के जातक को ही जाता है, क्योंकि वे अपनी समझदारी से सिंह राशि के जातक की जरूरत और उनका अच्छा स्वभाव भांप कर उसी का प्रयोग अपने रिश्ते को खुश बनाने में करते हैं। इसके अलावा बुरे वक्त में कभी अपने साथी का हाथ ना छोड़ना, चाहे गलती अपनी ना भी हो, धनु राशि के जातक का यही अंदाज इन दोनों के रिश्ते को कायम रखता है। लेकिन जहां धनु राशि के जातक के दिल को कोई बुरी बात छू गई तो इनके तीखे शब्दों से सिंह राशि के जातक को परेशानी हो सकती है, और यहां ही दोनों अग्नि के तेज की तरह लड़ाई को गर्मा गर्म बना सकते हैं। सिंह और मकर राशि। मकर राशि के जातक खुद में व्यस्त रहने वाले, ज्यादा शो ऑफ ना करने वाले और साथ ही कुछ शर्मिले किस्म के होते हैं, लेकिन सिंह राशि के जातक तो इससे बिल्कुल ही उल्टे स्वभाव के हैं, इसलिए दोनों के अलग स्वभाव के चलते मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन एक तरफ जहां सिंह राशि के जातक रोमांटिक हैं और मकर राशि के केयरिंग हैं, तो दोनों में यह तालमेल रिश्ते को सफल बना सकता है। सिंह और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में एक दूसरे के लिए पनप रहे आकर्षण की कोई सीमा नहीं है। वाकई ये एक दूसरे के अच्छे व्यवहारिक पॉइंट्स को पकड़ते हुए समीप आते हैं। कुंभ राशि के जातकों का मिजाज कुछ ठंडे किस्म का होता है, इसलिए संभावना है कि सिंह राशि के जातक के गुस्से को नियंत्रित कर लेते हैं, इसलिए यह जोड़ी कामयाब होगी, इसकी संभावनाएं अधिक हैं। सिंह और मीन राशि। कुछ बताने से पहले ही हमारी राय है कि इन दोनों की जोड़ी बनाने से पहले 100 दफा सोच लें, क्योंकि सिंह राशि का घमंड, गर्वीला अंदाज और जिद्दीपन मीन राशि के जातकों को कतई पसंद नहीं आता। वे पूरी कोशिश करते हैं कि सिंह राशि के घमंड को चकनाचूर कर दें, लेकिन ऐसी भावना जीवन साथी नहीं दुश्मनों के बीच ही वाजिब लगती है।
मीन राशि के जातकों का अंदाज काफी हंसमुख और खिला खिला सा होता है, लेकिन उन्हें बेवजह कोई अपना घमंड दिखाए तो वे उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। तो ये थे दोस्तों सिंह राशि वालों के साथ किसकी जमे की जोड़ी। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।